कंजारभाट समाजातील नववधूची कौमार्य चाचणी या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आवाज उठवणाऱ्या तरुणांना समाजातीलच अनेक तरुणांकडून बेदम मारहाण करण्याचा प्रकार घडलाय. या प्रकरणी प्रशांत अंकुश इंद्रेकर यानं पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये दिलेल्या फिर्यादीनुसार 5 जणांसह त्यांच्या अन्य 40 साथींदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. कंजारभाट समाजातील नववधूची कौमार्य चाचणी या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आवाज उठवणाऱ्या तरुणांना समाजातीलच अन्य तरुणांकडून बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. या प्रकरणी प्रशांत इंद्रेकर यांनी पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये दिलेल्या फिर्यादीनुसार 5 जणांसह त्यांच्या अन्य 40 साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सनी मलके, विनायक मलके, रोहित रावळकर, नेहुल तामचीकर आणि त्यांचे अन्य 40 साथीदार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कंजारभाट समाजातील लग्नानंतर नववधूची कौमार्य चाचणी घेण्याची अनिष्ट प्रथा आजही समाजात कायम आहे. या प्रथेला समाजातील काही तरुणांनी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. या तरुणांनी यासाठी #TheVRitual या नावाने व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला आहे. विवेक तमाईचीकर याने हा ग्रुप तयार केला आहे. फिर्यादी प्रशांत टिमरेकर, त्याचा मित्र सौरभ मछले आणि प्रशांत तामचीकर हे या ग्रुपचे सदस्य आहेत. या माध्यमातून समाजातील ही प्रथा बंद व्हावी यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या या मोहिमेला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही पाठिंबा दिला आहे. मात्र त्यांचे हे कृत्य त्यांच्या समाजातील अन्य तरुणांना पटलं नाही. देखो, उन्होंने जो मसला उठाया है समाज के, जो कुमारीपन की चाचनी परीक्षा है ये नहीं होना चाहिए, जो उनका जो सवाल है ये चर्चा द्वारा कहीं तो भी सुलझा सकते थे. उन्होंने चर्चा न करते तरुण युवक के, आज के युवक के लड़के लोगों ने क्या क्या फेसबुक का एक ग्रुप बनाया. फेसबुक पे समाज की बदनामी हो रही है, मीडिया के द्वारा समाज की बदनामी हो रही है. जो उनके पीछे जो लोग है, जो सरकारी ऑफिसर है या कोई संगठन के पदाधिकारी है, उनको ये कार्यकर्ताओं से चर्चा करना चाहिए कि आपके समाज में ऐसा बदलाव कर सकते हैं क्या. जैसा हर समाज के कुछ अधिकार दिए है, तो अधिकार हम अगर हमारा नहीं यूज करेंगे, कल के वो हमारे अंत्यविधि का भी बोलेंगे. ये जो ग्रुप बना है, कल बोलेंगे तुम दहन मत करो. हिंदू धर्म की जो प्रथा है वो बोलेंगे दहन मत करो, दफनाओ तुम. तो ऐसा नहीं हो सकता है. कुछ तो भी चर्चा करके अगर मार्ग निकलता तो चर्चा करना चाहिए था. आप सोशल वर्कर का काम कर रहे हो, तुम लिखे पढ़े हो. पहला तो समाज में शिक्षण नहीं था, एजुकेशन नहीं था. अभी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, लड़की पढ़ाई है तो लड़कियाँ भी अच्छी तरह के एजुकेशन ले रही है. कल के जो शादी में जो विघ्न आया है, तो वो वीडियो शूटिंग कर रहा था कि ये ऐसा कुछ यहाँ चाचनी कुछ ली नहीं जा रही है. एक विधि है, धार्मिक विधि, जो पंच लोग कर रहे, कार्यकर्ते जो बैठ के कर रहे. आप वीडियो शूटिंग मत करो. रिक्वेस्ट की, उनको विनती की. विनती करने के बावजूद भी अगर वो कर रहे थे तो फिर उनके पास क्या क्या झटापटी में किसने किया ये तो नहीं पता चला. दरम्यान आरोपी सनी मलके याच्या बहिणीचा विवाह होता. फिर्यादी प्रशांत आणि त्याचे मित्र सौरभ आणि प्रशांत तामचीकर यांना लग्नाचे निमंत्रण देऊन सनी याने बोलावलं होतं. रविवारी रात्री हा विवाह सोहळा पार पडला. यावेळी प्रथेनुसार नंतर जात पंचायत भरली. जात पंचायत संपल्यानंतर प्रशांत हा आपल्या आई आणि बहिणीला घेण्यासाठी लग्न मंडपात गेला असता तिथे आरोपी सनी आणि त्याचे साथीदार हे सौरभ मछले याला मारहाण करीत होते. तुम्ही कौमार्य प्रथेविरुद्ध आवाज उठवून जात विरोधी कृत्य करीत आहात असे म्हणत त्याला मारहाण सुरू होती. यावेळी प्रशांत टिमरेकर आणि प्रशांत तामचीकर त्याला सोडवायला गेले असता त्यांनाही सनीसह अन्य सर्व आरोपींना बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. यामध्ये सौरभ मछले याची सोन्याची चेन आणि घड्याळ हरवलं आहे. या विरोधात प्रशांत टिमरेकर याने पिंपरी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पिंपरी में प्रकाश इंद्रेकर करके है, वो कंजारभाट समाज में से है और उनको कल एक शादी में बुलाया था. उस शादी में वो गए थे और उस शादी में जाने के बाद में वो हमेशा समाज के गलत प्रथाओं के विरुद्ध जन जागृति करते हैं. इसके लिए उन्होंने जो सामने वाले आरोपी है सनी मलके, विनायक मलके और तीन चार लोग, तो उनके साथ उनकी झगड़ा हुआ और ये आरोपी जो है उन्होंने उनको मारा है. पिंपरी पुलिस थाने में इस घटना के लिए रायट और 323 IPC के अनुसार गुना दाखिल है. आगे की इन्वेस्टिगेशन पिंपरी के पुलिस थाने के अधिकारी कर रहे हैं. उस समाज में ऐसा मानना है कि जो लड़की जो है जो वर्जिन होनी चाहिए और उसके लिए अगर वर्जिनिटी टेस्ट वो पास नहीं करती है तो वो गलत है, ऐसा उनका मानना है. इसके कारण ये जो फिर्यादी है वो हमेशा इस बारे में जन जागृति करते हैं. तो जन जागृति क्यों करते हो आप, इसके कारण उनके साथ झगड़ा और मारपीट हुई है. अगर प्रथा किसी भी समाज में है तो वो गलत प्रथा है और नागरिकों ने इसका जो है ऐसी प्रथा फॉलो नहीं करनी चाहिए.
त्यानुसार आरोपी सनी मलके, विनायक मलके, अमोल भाट, रोहित रावळकर, मेहुल तामचीकर, त्याचे अन्य 40 साथीदार यांच्या विरोधात कलम 143, कलम 147, कलम 149, कलम 323, कलम 506 आणि 427 अंतर्गत पिंपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नाही, ये गलत बात तो नहीं है, क्योंकि हमारे रीति रिवाज से ही सब होता है, ये बहुत साल से होती आ रही है ये परंपरा. ये हम जन जागृति करते हैं. नहीं, ये गलत है, मेरा कहना तो गलत ही है, क्योंकि लड़कियों को ये सबक सिखाने के लिए होती है ये परंपरा, और माँ बाप की इज्जत का सवाल होता है. आगे चल के ऐसा नहीं करना चाहिए ये लोग. तो वो गलत बात है. नहीं, ये गलत बात तो नहीं है, क्योंकि हमारे रीति रिवाज से ही सब होता है, ये बहुत साल से होती आ रही है ये परंपरा. पिंपरी पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करीत आहेत. ब्यूरो रिपोर्ट, पुणे.